14 गेंद में 5 विकेट लेने के बाद मोहित का सूर्या पर बड़ा बयान, कहा कुछ ऐसा सुन दुनिया हैरान। सूर्यकुमार यादव अगर एक ओवर में 6 छक्के भी मार देते तो भी चिंता नहीं, उससे नहीं लगता डर। दोस्तों, अगर आप भी सूर्यकुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 के दूसरे क्वालिफायर में शुक्रवार को गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 62 रनों से करारी मात दे दी। मैच में भले ही गुजरात की टीम शुरुआत से ही हावी रही हो, लेकिन एक समय जब सूर्यकुमार यादव खेल रहे थे तब लग रहा था कि वे कुछ चमत्कार कर देंगे। सूर्या एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच को कभी भी अकेले दम पर पलट सकते हैं। गुजरात के खिलाफ सूर्यकुमार यादव ने महज 38 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली। सूर्या ने अपनी इस पारी में 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। सूर्या अगर 3-4 ओवर और टिके रहते तो मुंबई को जीत दिलाकर ही जाते, लेकिन मोहित शर्मा 15वें ओवर में अपनी लेंथ से नहीं हिले, लगातार एक टप्पे पर गेंदबाजी करते रहे और सूर्यकुमार यादव को चकमा दे दिया। सूर्या का विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। मैच के बाद मोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। मोहित शर्मा ने कहा, मैं थोड़ा भाग्यशाली था कि इतनी जल्दी 5 विकेट हासिल कर लिए। गेंद अच्छी तरह से स्किड हो रही थी, लेकिन जिस तरह से सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, हमें लगा कि अगर ये दोनों आउट नहीं हुए तो मैच हाथ से फिसल सकता है। मैंने फैसला किया था कि अगर मैं स्काई के खिलाफ गेंदबाजी कर रहा हूं तो मैं ज्यादा प्रयोग नहीं करूंगा। हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमने चर्चा की कि हमें सूर्या के खिलाफ ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। इसलिए विचार था कि लेंथ गेंदें ही फेंकी जाएं, यहां तक कि अगर सूर्यकुमार यादव हमें 6 छक्के भी मार देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें लगा कि उसके लिए अपने शॉट खेलने के लिए सबसे मुश्किल लेंथ यही है। जब मैं बॉलिंग करने आया उस समय मैच खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सूर्या का विकेट जैसे ही गिरा उसका मतलब था कि हम खेल में वापस आ गए। उस एक विकेट को लेने से पूरी टीम को बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि सूर्यकुमार यादव दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। वो अकेले दम पर मैच जीता सकता है, उसको रोकने के लिए बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मुझे सूर्या से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर आप अच्छी लेंथ पर गेंद हिट करेंगे तो आप सूर्या जैसे बल्लेबाज को आसानी से शांत रख सकते हैं, मैंने वही करके भी दिखाया है। दोस्तों, क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात के लिए बल्ले से जहां शुभमन गिल ने 129 रनों की पारी खेली, वहीं गेंदबाजी से मोहित शर्मा ने रोहित शर्मा की टीम को उबरने नहीं दिया। मोहित ने सिर्फ 14 गेंदों में 5 विकेट लेकर मुंबई को घुटने टेकने पर मजबूर कर डाला और मुंबई की टीम 171 रन पर ढेर हो गई। वहीं मोहित ने अपने 5 विकेट के दौरान सूर्यकुमार यादव का भी विकेट चटकाया। यहीं से मैच पूरी तरह पलट गया और मुंबई जीता हुआ मैच हार गई। अगर सूर्या आउट नहीं होते तो मुंबई एक तरफा मैच जीत जाती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्यकुमार यादव अगर आउट नहीं होते तो क्या वो मुंबई को मैच जीता सकते थे? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।